हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल में अभिजीत डीबी में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आज का टॉपिक है कैसे हम लोग अपने फेसबुक के लाइक को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद हम लोग को सर्च करना होगा यहाँ पे यू लाइकर। यू लाइकर से हम लोग क्लिक कर देते हैं। देखिए यू लाइकर पे क्लिक करते ही हम लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑटो लाइक ऐप लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोग को इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो डाउनलोड डायरेक्ट लिखा हुआ देखिए आपके सामने, और दूसरा लिखा हुआ ऑप्शन जी ड्राइव। तो हम लोग को क्लिक करना है डाउनलोड डायरेक्ट पे। डाउनलोड डायरेक्ट पे क्लिक करते ही हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम लोग का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। डिटेल्स में जाने के बाद ये देखिए यू लाइकर मेरा ऐप डाउनलोड हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। इंस्टॉल देखिए हम लोग क्लिक कर चुके हैं, हमारा ऐप इंस्टॉल होने वाला है। हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, हम लोग को क्लिक करना है ओपन पे। तो ओपन पे क्लिक करते ही हम लोग के सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को जाना है इसमें लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन विद फेसबुक पे इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। हम लोग को यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है, तो अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। फोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। देखिए अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ। मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा लॉग इन हो चुका है। इसमें अपने आपको रियल अकाउंट का यूज नहीं करना है, इसे हम लोग को यूज करना है अपने फेक अकाउंट का। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोग अब आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद जाना हम लोग को अपने ऑफिशियल फेसबुक में। वहां पे जाने के बाद हम लोग को डालनी है, अपलोड करनी है एक पोस्ट। पोस्ट मैं सेलेक्ट कर लूंगा, अपना कोई पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक पोस्ट सेलेक्ट कर लिया है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। एक बात का ध्यान रहे कि आपका पोस्ट हमेशा पब्लिक होना चाहिए। तो हम लोग का पोस्ट अपलोड होने, दोस्तों हमारा पोस्ट अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के जस्ट बाद हम लोग को अपना पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेना है। तो हम लोग इस पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पोस्ट का लिंक कॉपी हो चुका है। हम लोग को आ जाना है बैक अपने यू लाइकर एप्लीकेशन में। यू लाइकर एप्लीकेशन में जाने के बाद हम लोग को क्लिक करना है कस्टम लिंक आईडी लाइकर पे क्लिक करना है। तो हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड हमारे पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो हम लोग को पहले रोबोट वेरिफिकेशन क्लियर कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे बोट को सिलेक्ट करना है। मैं बोट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। देखिए हमने अपना पोस्ट का लिंक डाल दिया यहाँ पे। तो हम लोग को अब चाहिए सैड वाली इमोजी चाहिए आपको, एंग्री की इमोजी चाहिए, वाव की इमोजी चाहिए। तो आपको जिस तरह की इमोजी चाहिए अपने लाइक पे उस पर हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग सैड वाली इमोजी सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग इसको सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा लाइक सक्सेसफुल हो चुका है। 81 लाइक हम लोग पे मिल चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने, तो मैंने अपना फेसबुक का पेज ओपन कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारे पे कितना लाइक इंक्रीज हुआ है। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स सैड वाली इमोजी सेलेक्ट की थी। देखिए हम लोगों पे 81 लाइक्स इंक्रीज हो चुके हैं, और भी सैड इमोजी के साथ। ये देखिए सो फ्रेंड्स हम लोग का टॉपिक था कि हम लोग 1K लाइक इंक्रीज कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को उस ऐप को क्लोन कर लेना है, डिफरेंट डिफरेंट आईडी को लॉगिन कर लेना है, जिससे आपका लाइक इंक्रीज हो जाएगा।